आज आपकी आंखों में भी आंसू हुए, आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने आज तक जीवन में किसी की तरफ इस तरह ऐसे हाथ उठाया नहीं है, असहज मैं फील कर रहा था। आपने कहा था मैं अठन्नी नहीं हूँ जो पलट जाओ एक बार। चवन्नी गई। हमारे साथ जैन चौधरी, जैन जी जिस तरह से आपका विरोध हुआ और लगातार बूइंग की गई, कहा गया कि उधर जाइए आप उधर बैठिए, किस तरह से देखते हैं उसको आप? एक सांसद के जो अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ, लेकिन चेयर ने जो मेरे अधिकार हैं उनको संरक्षित रखा, दोबारा मौका दिया। अजीब विडंबना है कि सदन में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने पे मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा, तो कोई कारण नहीं था, मेरे तो समझ से बाहर है। आज आपकी आंखों में भी आंसू हुए, आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ, क्या आपको इंसल्टेड फील हुआ जिस तरह से बूइंग हो रही थी और आपको बोला गया? देखिए, मैंने आज तक जीवन में किसी की तरफ इस तरह ऐसे हाथ उठाया नहीं है, तो जब कोई सामान्य सदस्य सदन में ऐसा कोई व्यवहार करता है तो थोड़ा अटपटा लग रहा था, असहज मैं फील कर रहा था, लेकिन फिर आई वॉज एबल टू मैनेज माई इमोशंस। कह रहे कि सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए आपको जैन को, कि भारत रत्न मिले और मैं बीजेपी चला जाऊं, इस तरह की बात? भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं, बोना क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी वो नाम है जो उन्हें कुछ ना मिले तब भी वो जिंदा है, उनके निधन के 37 साल बाद उनका नाम जिंदा है, चौधरी साहब अमर हैं और रहेंगे। तो क्या ये माने कि आप इस इंडिया ब्लॉक से आपका जो अलविदा आप कहेंगे, जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट हुई है और एक चीज को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं? ये तो कुछ ही बातें होती हैं, मैं ये सब सहन करने को तैयार हूँ, मुझे अपने लोगों का हित देखना है। आपने कहा था मैं अठन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँ एक बार। चवन्नी गई। तो उसमें क्या कहेंगे जयंता? वो चुनावी जो गर्मियों में बातें कही जाती हैं उसके मायने अलग होते हैं, चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो मैं कहता हूँ कि जब चुनाव के पहले जो विपक्ष बोलता है उसे तो लोग वैसे ही भूल जाते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या बोले थे वो याद रखना चाहिए पब्लिक।